देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, आज भारत इज माय होम, ये रहेगा सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर आपका है भारत इज माय होम, और भारत इज माय होम सेकेंड चैप्टर इंटर का डॉक्टर जाकिर हुसैन। हम एक एक करके सब बताते हैं, पहले जान लीजिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जानिए क्या है से, कि इनका जन्म, लाइफ स्पेन जान लो, लाइफ स्पेन, इनका जन्म हुआ था 1897, उम्र 1969 में, जन्म 1897, उम्र कहना है 1969 में। अच्छा, जन्म स्थान कहाँ है, बॉर्न इन हैदराबाद। देख लो कुछ बातों में हम सबके सब याद दिला देते हैं। यह जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन यह एक फ्रीडम फाइटर थे, मतलब फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी थे। ये स्वतंत्रता सेनानी यानी कि भारत की आज़ादी के लड़ाई में, यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध है लड़ने का भी काम किया है, भारत को आज़ादी दिलाने में भी इनका बड़ा अहम योगदान रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन को। दूसरी बात कि ये एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, कहने का मतलब एक प्रख्यात, बहुत बड़ा विद्वान जैसा, बहुत बड़ा विद्वान थे। किस चीज़ का, मतलब कि एजुकेशन के मामले, एजुकेशनिस्ट है, मतलब कि अब देख लो हम बात कुछ करते हैं, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि यह भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो मैं एक एक कर कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, इनके बारे में आपको रटना नहीं, मैं एक एक ऑब्जेक्टिव तो सब लिखा दूंगा, लेकिन कुछ जानने की कोशिश करिए। हम सब के सब सिखा देते हैं क्या है, आपने अब यहाँ पे जाने कि इनका जन्म कब हुआ था, 1897, ध्यान देंगे 1897, मरे थे कब, 1969 में, डेड है, यानी कि इसको हम बोलते हैं लाइफ स्पेन, जीवन काल। जन्म कहाँ लेते, हैदराबाद में। अब देख लो एक एक करके मैं बताने काम करता हूँ, ये क्या थे, प्रेसिडेंट बने थे, कहाँ के बने थे, प्रेसिडेंट बने थे तो इंडिया का। चलो अब यही बात जानो, प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बने थे इंडिया का। इंडिया के राष्ट्रपति जब बने थे तो सुन लीजिए, कुछ ना कुछ बात तो होगा। अच्छा मैं सब बात बताता हूँ, ये बने थे कब, 1967 में, ये बने थे कब, 1967 में। तो जब 1967 में राष्ट्रपति बने, देख लो ये चैप्टर के नाम से मुताबिक मैं बता रहा हूँ, नाम से खाली मैं बता रहा हूँ कि आप फोन करके, आप मेरी बात को सुनिए ध्यान से, सुन करके आप याद कर लीजिए, कन्फर्म है कि आपको ऑब्जेक्टिव रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। फिर मैं समरी लिखा दूंगा आगे, ठीक ना, अगले आते पॉइंट और पार्ट में लिखा देंगे। तो सबसे पहली बात, एक एक याद करने की कोशिश करो, ये भारत के राष्ट्रपति बने 1967 में। तो 1967 में जब बने थे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बनने से पहले बाबू लोग, राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति when the became the president of India, then before of गवर्नर ऑफ बिहार, कहने का मतलब हो गया कि जब बिहार के राज्यपाल थे तो राज्यपाल के बाद डायरेक्ट क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे, यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के क्या थे, वे राज्यपाल थे। अच्छा, यानी कि राज्यपाल को हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नर, ठीक ना, यानी कि गवर्नर ऑफ बिहार, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, गवर्नर ऑफ बिहार। पहले इनकी बातों को पहले एक एक करके सुनते चलना। ये 1967 में जब बने थे तो इन्होंने, देख लो इन्होंने एक भाषण दिया, आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत इज माय होम, व्हाट, मतलब कि व्हाट क्रिएशन है, तो क्या ये क्या है, भारत इज माय होम इज व्हाट क्रिएशन, तो हम डायरेक्ट करेंगे कि भारत इज माय होम इज एन स्पीच, कहने का मतलब हो गया कि भारत इज माय होम इज ए स्पीच, भारत इज माय होम यह एक स्पीच है, भाषण है, क्या यह एक भाषण है। अच्छा, ये भाषण किसके द्वारा दिया गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अच्छा, यह भाषण कब दिया गया है, तो यह भाषण दिया गया 1967 में। देखिए ये कब दिया गया स्टूडेंट्स, 1967 में दिया गया, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद में 1967 में जब भाषण दे रहे थे, तो देख लो क्या क्या बातें आती हैं, इससे पहले समझने की कोशिश करना एक एक चीज़, फिर हम सब के सब रिवीजन करा देंगे।
आप टेंशन फ्री रहना, बिल्कुल के हम सब के सब आपको याद दिलाते चलते हैं, ठीक है। आप देखते चलो भारत इज माई होम के बारे में पहले हम जानने की कोशिश करें कि भारत बिहार के राज्यपाल थे कब, जब भारत के राष्ट्रपति बने थे उससे ठीक पहले। आप बने थे क्या प्रेसिडेंट बने 1967 में। कुछ नई नई बातों को लेकर के मैं आता हूँ। प्रेसिडेंट जब बने थे 1967 में ये स्पीच दे रहे थे, स्पीच कब दे रहे थे तब प्रेसिडेंट बने थे, तब जब भाषण दे रहे थे प्रेसिडेंट बन करके, तो उस समय सबसे ज़्यादा देख लो कुछ बातों को समझना, उस समय सबसे ज़्यादा तारीफ जिसको कहते हैं प्रेस्ट की है, प्रशंसा के पता है किनको, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अब इनके विषय में जान लो, आखिर पूरे हॉल में जब ये भाषण दे रहे थे, ध्यान दीजिएगा, जब ये भाषण दे रहे थे तो भाषण देने के क्रम में क्या होता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी जहाँ पे वो शपथ ग्रहण ले रहे थे, शपथ ग्रहण के दौरान प्लेज जिसको हम ओथ भी कहते हैं, OATH ओथ, जखनी ये शपथ ले रहे थे, शपथ कहो, कसम कहो, संकल्प कहो, तो उस दौरान क्या बोलते हैं, पूरे हॉल में जितने सारे लोग बैठे हुए थे तो उसी दौरान सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को। और राधा कृष्णन को क्या मानते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या मानते हैं, ये अपना आदर्श मानते हैं, क्या मानते हैं, आदर्श मानते हैं। अब सोच लो कि आदर्श मानते हैं, और आदर्श मानने के बाद में क्या होता है कि राधा कृष्ण को पूरे हॉल में बैठे लोगों को सबसे पहला याद किया कि राधा कृष्ण के बारे में, और जिक्र किया कि आज राधा कृष्ण का देन है, राधा कृष्ण एक ऐसे पुरुष हैं राधा कृष्ण जिनकी विद्वता के बारे में कितना जिक्र किया जाए उतना ही कम है। यानी कि राधा कृष्ण के बारे में तारीफ करते हैं, जम करके तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि इनके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना ही कम है, ठीक है। और भी कुछ कहते हैं इस भाषण में, क्या क्या बोलते हैं इस भाषण में, बोलते हैं इस स्पीच में, बोलते हैं जब क्या करते हैं, कसम खा रहे हैं, तक नहीं, जब शपथ ले रहे थे तब बोलते हैं कि भारत इज माई होम। देख लो यही बात बोलते हैं कि भारत मेरा घर है और यहाँ पे रहने वाले, ठीक ना, इंडियाज पीपल इज आवर फैमिली, यानी कि इंडिया के रहने वाले लोग हमारे एक घर का क्या है, परिवार है, सदस्य हैं, घर का एक सदस्य। ये देख लो इतने अच्छे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, इतने अच्छे राष्ट्रपति थे कि हद से ज़्यादा। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है और यहाँ के रहने वाले लोग सभी के सभी क्या है, मेरा एक के परिवार है, सदस्य हैं, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था, सुन लीजिए, ये पूछा जाता है, ये बड़ा प्रश्न भी आई है, इन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट इन आवर लाइफ जो भी कुछ कहो, यानी कि यहीं तक हम रोक रहे हैं, ये आवर लाइफ छोड़ दीजिए, लाइफ तो लाइफ है, लाइफ जिंदगी में तो जरूरी है, लेकिन इन्होंने कहा था एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सबसे पहला एक बार जान लो कि अगर एजुकेशन शिक्षा ही सबसे बड़ा क्या है, यंत्र है और कुछ नहीं, शिक्षा है तो सब कुछ है। और आपको राधा कृष्ण के बारे में इसलिए जाके जिक्र किए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ताकि मतलब जानते थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जानते थे कि सर्वपल्ली राधा कृष्णन एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे और ये भारत के उपराष्ट्रपति उसके बाद में राष्ट्रपति सब ये भी बने हैं। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के बाद एक ऐसे व्यक्ति जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी में और काशी बनारस के BHU में भी आकर के ये पढ़ाने का काम किए थे। कोई राष्ट्रपति बनने के बाद पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, लेकिन एक ऐसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी कॉलेज में जाकर के पढ़ाना शुरू कर देते थे, यूनिवर्सिटी में क्लास लेना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि एजुकेशन इज द फर्स्ट
माई वेपन, कहने का मतलब एजुकेशन ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। और ये भी बात आप जानते हो कि इन्हीं की याद में हम लोग भारत में क्या करते हैं, इनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं, टीचर डे मनाते हैं नहीं, और 5 सितंबर को भारत में टीचर डे मनाते हैं, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। याद करिएगा, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अच्छा देख लो फिर से एक बार, प्रेसिडेंट कब बने थे, प्रेसिडेंट बने थे बाप लोग 1967 में, ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट बने थे 1967 में। अच्छा उसके बाद में ये बात हम आप लोगों को बता दिए कि एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर लाइफ, कहने का मतलब यानी कि एजुकेशन हमारा सबसे पहला क्या है, हथियार है, ठीक है। और भी देखो क्या क्या, पर एकदम एक एक करके सब आप देखते रहना, सब के सब याद दिला देंगे हम, खाली अभी समझना है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट तो थे ही। अच्छा ये जब भी कुछ काम करते थे ना तो इनकी क्या थी, ह्यूमिलिटी, प्रेयरफुल, प्रेयरफुल बोलो या प्रेयरफुल जब कभी मिलता है प्रेयरफुल बोलो, दोनों कोई फर्क कोई दिक्कत नहीं है। ये कहने का मतलब हो गया ना कि कोई भी काम लोगों से ये बात नहीं, संवेदनशील होकर के प्रार्थना पूर्वक रिक्वेस्ट पूर्वक जो भी कहो कि किसी प्रकार से नहीं, होता है ना कि एक ही कोई कोई अधिकारी ऐसे होते हैं जो अच्छे ढंग से विचार भावना नहीं करते, लेकिन इनकी विचार भावना कैसी थी, एकदम बिल्कुल प्रार्थना पूर्वक जो भी काम करना है से दिल लगन से करिए, कोई किसी प्रकार से दिक्कत किन्हीं का भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये भी बात बोलते हैं कि यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, मैं आप लोग को एंशिएंट के पहले देख लो बड़ा वाला ए लिख दिया जानबूझ करके, ये कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं इसको तो अति लगा ही देंगे, टच कर देंगे कि देख लो, एक कहते हैं भारत बोल, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, ये आज नहीं प्राचीन काल से चलता रहा है, युवाओं पर निर्भर है, ठीक है, युवा ही आगे की पीढ़ी होते हैं, युवा ही सब कुछ होते हैं, युवा पर ही पूरा देश टिका हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं यंग स्टेट ऑफ, मतलब इंडिया इज यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, ठीक ना, यानी प्राचीन काल से चलता आ रहा है, ठीक है, कि यह किसके ऊपर टिका हुआ है, यंग स्टेट पर टिका हुआ है, ठीक ना। यह जो दिए थे ना, ये पहला भाषण का कोई अंश था, जब पहला भाषण देना शुरू किए थे, पहला जब भाषण देना शुरू किया था तो इन्होंने कुछ कहा था, ठीक है, इन्होंने क्या कहा देख लो, इन्होंने कहा था टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, कहने का मतलब समग्रता सेवा की समग्रता भारत की संस्कृति है, यानी कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ कभी भी कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, हम निष्ठापूर्वक और संवेदनशील होकर के प्रार्थना पूर्वक होकर के ही हम भारत को सेवा करेंगे। और ये बेचारे 1897 में जन्म लिए थे, 1969 उम्र के, इनका पूरा जीवन काल लगभग 72 साल रहे, ठीक ना। आपको ध्यान रखना होगा कि जब कभी पूछ लेता है कि जाकिर हुसैन इज लिव लॉन्ग, ठीक ना, वाज लिविंग लॉन्ग, तो लिव लॉन्ग चाहे जितना रहे, लिव लॉन्ग में क्या रह गया, तो कितना साल रह जाएगा कि 70, 71, 72, तो आप मान लीजिएगा 72, ठीक है। आज तो मतलब कि इसमें इतना ही, अगर आप चाहोगे कि VVI प्रश्न लिख देने के लिए तो हम तो लिख सकते हैं, अब लिखना शुरू कर दो, ये तो मेरा समझाने काम हो गया था। तो ऐसा करते हैं कि आप लिखना शुरू कर दो, अभी समझ में आ गया होगा सब, तो लिखना शुरू कर दो। सबसे पहली बात कि भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या है, ये स्पीच है। चलो उसके बाद में लाइफ स्पैन लिख लो, फटाफट लिखने की कोशिश करना, तो नहीं स्क्रीन शॉट ले लेना, लाइफ स्पैन 1897 से 1969, ठीक है, हम सब के सब लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक एक ये नहीं कि लिखेंगे शॉर्ट में एकदम, बॉर्न इन हैदराबाद, ठीक है, सब के सब आप लोग भी कलम से लिखना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद में जो भी रहेगा जैसा,
बिफोर बींग ही सर्वड एट द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि यह बिहार के क्या रह चुके हैं, बिहार के पहले राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक ना। जाकिर हुसैन लिव्ड 72 ईयर्स। अच्छा, नेक्स्ट और करते रहेंगे कुछ है। देखिए उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे लिखते रहिए, ये लॉन्ग एसोसिएटेड विथ एजुकेशन, ये बहुत दिनों तक किससे जुड़े रहे, एजुकेशन से जुड़े रहे, सब आपको ऐसा ही याद करना होगा। इन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर लाइफ, जो भी हो लाइफ वगैरह सब कुछ है। उसके बाद में आपको लिखना होगा, इन्होंने कहा था, ही सेड दैट, इन्होंने कहा भारत इज माय होम एंड इंडियाज पीपुल, द पीपुल ऑफ इंडिया भी हो सकता है, इंडियाज पीपुल आवर फैमिली, यानी कि बताते कि भारत मेरा घर है और यहाँ के रहने वाले लोग हमारे क्या हैं, तो ये मतलब फैमिली हैं, ठीक ना, हमारे सदस्य हैं। जब संकल्प ले रहे थे तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा था, इनका जब पहला भाषण था तो यही लिखे थे, द फर्स्ट लाइन इन अ स्पीच, जब भाषण देना शुरू किए थे तो क्या यही बोले थे, टू द सर्विस ऑफ इंडियास कल्चर, ये पहला भाषण में उद्धरण किए थे, जब बोले थे शुरुआत किए थे तो यही मतलब कि शुरुआत किए थे, टू द सर्विस ऑफ इंडियास कल्चर, इस प्रकार की बात ये बोले थे, ठीक है। अब देख लो, इन्होंने कहा कि यंग स्टेट ऑफ, कभी कभी मिल जाता है, इंडिया इज यंग स्टेट ऐसा करके भी मिल जाता है, ठीक है, इंडिया इज यंग स्टेट ऑफ भरने के लिए मिलेगा, तो एंशिएंट पीपुल, यानी कि अभी जो मैंने आपको सिखाया वही सब चीज़ें आपको लिखते हैं, ही प्रेस्ड टू होल गेस्ट इन द फर्स्ट किसको, पूरे गेस्ट अतिथियों में सबसे पहले किन्हें प्रशंसा किए भाषण में, तो किए राधा कृष्णन को, किसको तारीफ किए, राधा कृष्णन को, ही वाज द most educationist and freedom fighter, ठीक है। ये कुछ ऐसा सा जो मेन बात है से हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना, और लास्ट में भी ये भी बात बोलते हैं, थैंक ऑल होम, यानी कि सभी के बीच में सबसे पहला धन्यवाद किनको किया, राधा कृष्णन को,
राधा कृष्ण को, ठीक है। उसके बाद में फिर जो भी कुछ रहा, या ये कितने साल जिए, ये देखो बच्चा ध्यान देना, ये 72 ईयर्स ओल्ड है, ये शायद लिखे हैं, ये तो लिख दिए शायद, हाँ ये तो लिख दिए हम, चलो ये तो हो गया। इस प्रकार का और बोलते हैं क्या, हाँ और कुछ नहीं आज, मतलब कि इस प्रकार का जो अभी रहेगा तो अगले समरी में हम सब कुछ बता देंगे, ये रहा आज का ऑब्जेक्टिव। फिर से एक बार तुम ध्यान देंगे, पहले हम शुरुआत में क्या बताया आपको कि भारती जी माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया, ठीक है। यह एक भाषण है, और यह भाषण कब, जब भारत के राष्ट्रपति बने थे तो शपथ ग्रहण, जिसको बोलते हैं शपथ ग्रहण लेते हैं लोग इन कॉन्स्टिट्यूशन में, जब सपन शपथ ग्रहण लेते हैं तो शपथ ग्रहण के दौरान यह भाषण दिए थे, और भाषण जब दिए थे तो क्या होता है, तो वो सबसे पहली बात तारीफ किसको करते हैं, सबसे पहला तारीफ करते हैं राधा कृष्ण को, और वही राधा कृष्ण जिनके याद में, जिनके बर्थ में, बर्थडे के रूप में याद करते हैं, जिन्हें हम टीचर डे के रूप में सम्मानित करते हैं, बोलते हैं उनका जन्मदिवस पर मनाते हैं शिक्षक दिवस से। और हम ये भी बात बताएं, जब भाषण दे रहे थे तो उसी क्रम में पूरे हॉल में जितने सारे लोग बैठे हुए थे, उस सारे लोगों के बीच में सबसे पहला तारीफ प्रशंसा ए राधा कृष्ण को किए, और राधा कृष्ण को किए, और अंत में भी पूरे सभी को बीच में ये सबसे पहला धन्यवाद जिसको कहते हैं ये राधा कृष्ण को किए, ठीक है। और ये राधा कृष्ण कहते हैं, नहीं सॉरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहला अगर कोई यंत्र है तो एजुकेशन, एजुकेशन तो सब कुछ है, आज के दौर में भी एजुकेशन तो सब कुछ है। और वो कहते हैं इस भाषण में, क्या ये भाषण बोलते हैं कि भारत इज माई होम एंड इंडियाज पीपुल आवर फैमिली, भारत भारत मेरा घर है और यहाँ के रहने वाले सारे लोग क्या हैं, हमारे क्या हैं, तो हमारे फैमिली हैं। द फर्स्ट लाइन इन स्पीच है द टू द सर्विस ऑफ इंडियाज कल्चर, ये मतलब बताते हैं, ये बताते हैं कि सेवा की समग्रता भारत की संस्कृति ही, ये फर्स्ट मतलब की लाइन हो गया। यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपुल, ठीक है। ही प्रेस्ड टू द होल गेस्ट इन द फर्स्ट राधा कृष्णन, ही वाज द मोस्ट एजुकेशनिस्ट एंड, वह एक नंबर के विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। और सबसे अंत में क्या है, सबसे धन्यवाद सबों के बीच में क्या करते हैं, वो किसको धन्यवाद देते हैं, सबसे अंत में धन्यवाद भी देते हैं और सबों के बीच में धन्यवाद करते हैं, तो वो है कौन, राधा कृष्णन। आज ये ऑब्जेक्टिव सेकेंड क्लास का, सेकेंड चैप्टर का, प्रोज सेक्शन का सेकेंड चैप्टर का, ये रहा आज का ऑब्जेक्टिव। अगले वीडियो में आपको समरी मिल जाएगा और सभी को उसका हिंदी सहित में समझाऊंगा। हिंदी तो मिला दो, अगर जो मैं समझा रहा हूँ इस बुक में इतना ही है, इस पाठ में इतना ही है, बस आज इतना ही। गुड इवनिंग, जय हिंद।